दोस्तों पिछले एक वीडियो में हमने बात करी थी कि एंटीवायरस और वायरस क्या होता है और ये बैकग्राउंड में कैसे काम करता है। आज हम बात करने वाले हैं साइबर सिक्योरिटी किल चेन के पार्ट 5 वेपनाइजेशन के बारे में। वेपनाइजेशन जहां पर हम वायरस और मालवेयर क्रिएट करेंगे, जी हाँ, अलग अलग वायरस एंड मालवेयर प्रिपेयर करेंगे और विक्टिम मशीन्स की रेंज में हम इंजेक्ट करेंगे। दोस्तों यू तो आपने वायरसेस लाइक ट्रोजन, मालवेयर एंड बैकडोर, ये बैकग्राउंड में कैसे काम करते हैं, ये एग्जैक्टली क्या होता है, इसके बारे में तो आपको मालूम होगा, लेकिन आज हम इन वायरसेस को, इन मालवेयर्स को एक्चुअल में क्रिएट करेंगे कोडिंग के जरिए। सो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अभिषेक स्वामी है और आपके अपने चैनल सिक्योरिटी विजन में आपका स्वागत है। दोस्तों ये जो वीडियो है ये फॉर एजुकेशन पर्पस है, जहां पर हम ये सीखेंगे कि मालवेयर और वायरसेस कैसे प्रिपेयर करते हैं, जो कि साइबर सिक्योरिटी किल चेन के वेपनाइजेशन का एक प्रमुख पार्ट है। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं कि वेपनाइजेशन क्या होता है और साइबर सिक्योरिटी के वेल नोन वेपनाइजेशन क्या होते हैं। सो दोस्तों वेपनाइजेशन में सबसे पहले हम बात करते हैं कि साइबर अटैक, हैकर्स के बारे में समझते हैं। जो साइबर सिक्योरिटी हैकर्स वेपनाइज्ड होता है वो एवरी डिवाइस विद मालवेयर होता है। और दोस्तों वेपनाइजेशन में सबसे इंपॉर्टेंट बात करते हैं हम, हैकर्स जो रहते हैं, हैकर्स यूज्ड हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ इंटरनेट कनेक्टेड डिवाइस दैट हैड प्रीवियसली बीन इन्फेक्टेड विद अ मलिशियस कोड। ये ऐसे मशीन्स रहते हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर्स का यूज करते हैं जो ऑलरेडी इन्फेक्टेड रहते हैं और उसके थ्रू वो दूसरे मशीन्स को इंजेक्ट करते हैं। सो वेपनाइजेशन में वेल नोन जो वेपन्स होते हैं, आज हम उसके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आता है बॉटनेट। बॉटनेट को समझते हैं हम क्या होता है, अ नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर फोर्स टू वर्क टुगेदर ऑन द कमांड ऑफ एन अनऑथराइज रिमोट यूजर्स। इसको और डिटेल में अगर समझते हैं तो बॉटनेट जो होता है, बॉटनेट अटैक इज अ लार्ज स्केल साइबर अटैक एंड कैरिड आउट बाय मालवेयर इन्फेक्टेड डिवाइस विच आर कंट्रोल रिमोटली। सो ऐसे मशीन जो ऑलरेडी इन्फेक्टेड रहते हैं उनको रिमोटली यूज किया जाता है, दैट इज कॉल्ड बॉट एंड दिस इज द नेम कमिंग फ्रॉम बॉटनेट। उसके बाद हम बात करेंगे डीडॉस का। सो डीडॉस के बारे में आप जानते हैं, डिनाइल ऑफ सर्विसेज होती है, ये एक प्रकार का अटैक होता है जो यू नो विल स्टार्ट फ्लडिंग ऑन द पर्टिकुलर मशीन्स, नंबर ऑफ कमांड्स चलाएंगे उसमें, पिंग करेंगे, ट्रेसर्ड करेंगे और उस मशीन्स को विल ट्राई टू यू नो कंप्लीटली हैंग कर देंगे। तो उसका क्या रहता है, सो मच डेटा दैट द सिस्टम कैन नॉट हैंडल ऑफ द वॉल्यूम ऑफ रिक्वेस्ट एंड द सिस्टम और नेटवर्क शट डाउन्स। फिर हम बात करेंगे मालवेयर, जिसपे हम आज वायरसेस एंड मालवेयर प्रिपेयर करेंगे। सो मलिशियस सॉफ्टवेयर इज इंजेक्टेड इनटू अ सिस्टम और नेटवर्क टू डू थिंग्स द ओन वुड नॉट वांट टू डू इट, राइट। एग्जांपल दैट विल इंक्लूड लॉजिक बॉम्ब्स, वॉर्म वायरसेस, पैकेट स्नीपर्स एक्सेट्रा। सो ये हम प्रिपेयर करने वाले हैं दोस्तों। वेपनाइजेशन में सबसे पहले जो हम वायरसेस क्रिएट करेंगे, क्रिएटिंग मालवेयर विथ, एक इंपॉर्टेंट कमांड रहती है जिसके बारे में मैं बताता हूं, MSF Venom। MSF Venom हम थ्री टाइप से यूज करने वाले हैं ये कमांड। सबसे पहले हम करेंगे बेसिक मालवेयर। सो बेसिक मालवेयर में हमारी कमांड जो रहेगी वो MS Venom -P, जहां पर हम डिफरेंट यू नो पैकेट ट्रेस करेंगे और पेलोड्स क्या होते हैं विंडोज के, उसके थ्रू हम मालवेयर क्रिएट करेंगे। देन उसके बाद एनकोडेड मालवेयर की हम बात करेंगे, जहां पर वी आर गोइंग टू यूज शिकाता GNI, जो जैपनीज नेम रहता है। और उसके बाद हम बात करेंगे एनकोडेड एंड एम्बेडेड मालवेयर, जहां पर यू नो मल्टीपल कोडिंग के थ्रू हम मालवेयर प्रिपेयर करेंगे। सो आइए दोस्तों हम बात करते हैं कि कैसे हम मालवेयर प्रिपेयर करते हैं और विद द हेल्प ऑफ काली लिनक्स ये कोडिंग के जरिए हम यहां पर मालवेयर एंड वायरस प्रिपेयर करने वाले हैं। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करिए। थैंक यू सो मच गाइस। सो यहां पर मैंने अपना टर्मिनल ओपन कर लिया है, काली लिनक्स मेरे साथ रेडी है और कुछ ऐसी कमांड्स हम रन करने वाले हैं जहां से हम यू नो मालवेयर क्रिएट कर सकते हैं रिमोटली। वी कैन गेट इन टू विक्टिम मशीन एंड वी कैन एक्सप्लॉइट द मशीन, राइट। सो यहां पर मैं आपको कुछ कमांड्स बताने वाला हूं। सबसे पहले हम बात करेंगे MSF Venom की। MSF Venom, लेट्स फॉर पहले मैं टाइप करता हूं MSF Venom, ओके MSF Venom। सो आप देख सकते हैं ऑप्शन सारे आ गए हैं मेरे को, लिस्ट पेलोड, सो -L
मतलब लिस्ट आई गेट इट हाइफन पी पेलोड, हाइफन एफ मतलब फॉर्मेट होता है, हाइफन ई एनकोडर होता है, सर्विस डिटेल यहाँ पर आपको मिलती है, हाइफन ए मतलब आर्क, सारी कमांड्स मिल सकती है, आप देख सकते हो। एंड इसके थ्रू वी विल क्रिएट अ मलिशियस पेलोड, राइट। तो वेपनाइजेशन के इस टॉपिक में हम ये कमांड के थ्रू डिफरेंट डिफरेंट मलिशियस सॉफ्टवेयर क्रिएट करेंगे, मलिशियस पेलोड क्रिएट करेंगे, एंड देन विल पुट द आईपी एड्रेस टू गेट इनटू यू नो विक्टिम मशीन, एंड देन वी आर गुड टू गो। सो सबसे पहले कमांड फायर करने से पहले जो MSF Venom है वो एग्जैक्टली है तो एक कमांड, लेकिन एग्जैक्टली क्या होता है? सो देखिए दोस्तों, जो मेटेक्सप्लॉइट फ्रेमवर्क होता है, दिस हैज इंक्लूडेड द यूजफुल टूल्स MS payload एंड MS what we called MSF code। सो ये जो कोड रहता है, दोनों का जो कॉम्बिनेशन रहता है, उससे अपना आपका MSF Venus बनता है, राइट राइट। सो इसके बारे में और डिटेल में जाने से पहले लेट्स फायर द कमांड। सो अगर मैं यहाँ पर टाइप करूंगा MSF hyphen p, तो मैं अगर hyphen p बोल रहा हूँ मतलब टॉकिंग अबाउट payload, राइट। सो I'll एंटर, सो आई गेट सम payload details only because I have just type hyphen p। सो यहाँ पर आप देख सकते हो, ओके hyphen p एंटर करता हूँ, ये मेरे को डिटेल्स मिलती है payload से रिलेटेड। Now what I am gonna type is here MSF Venom hyphen L means I am talking about list, okay? List की बात कर रहा हूँ, for getting list hyphen P, okay? Space, now I'll say mask and grab. Now what information I want to grab? So let's if I'll talk about grab windows. तो मैं यहाँ पर टाइप करूंगा विंडोज, ओके आई एंटर विंडोज, मैंने यहाँ पर टाइप किया, ओके आई हिट एंटर। सो विल जस्ट वेट हियर फॉर सम टाइम एंड यू विल सी विंडोज रिलेटेड डिटेल्स मिलेंगी। हियर वी गो। सो आप देख सकते हो सारे विंडोज की मेरे को जितने भी पेलोड्स थे उससे रिलेटेड एग्जीक्यूटेबल कमांड्स हैं, सारी डिटेल्स मिली। सो मैं अगर टॉप में जाता हूँ जहाँ से मैंने कमांड्स फायर करी थी, ये विंडोज़ में जो भी फाइल्स रहती हैं वो डिटेल दी है। अभी इस फाइल्स को इसमें फाइल्स में मैं देखूँगा रिवर्स टीसीपी की कुछ इन्फॉर्मेशन अगर मेरे को मिलती है, राइट। सो आई टेक विंडोज शेल रिवर, आई राइट क्लिक एंड कॉपी इट, ओके। सो ये मैंने कमांड ली है एंड इसके थ्रू विल क्रिएट अ पेलोड, राइट, विल क्रिएट अ पेलोड। एंड देन कैसे मालवेयर क्रिएट किया जाता है उसके बारे में हम डिटेल देखते हैं। तो मैं एंटर करता हूँ, यहाँ पर जाता हूँ एंड देन जो कमांड मैं टाइप कर रहा हूँ, प्लीज़ पे अटेंशन हियर, मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ MSF Venom स्पेस हाइफन पी फॉर पेलोड, ओके स्पेस जो मैंने कॉपी किया था, आई जस्ट पेस्ट इट हियर, ओके मैंने पेस्ट कर दिया एंड देन आई टाइप L host is equal to, okay, before I'll get into this, I would like to show you something, जिस मशीन पर मेरे को अटैक करना है, जो मेरी टारगेट मशीन है, राइट। सो उस पर मैं जाता हूँ एक बार, नॉट एग्जैक्ट ऑन दैट मशीन, मैं आपको आई वुड लाइक टू शो यू समथिंग कि इफ आई नीडेड सम आई पी एड्रेस, sudo net discover hyphen r स्पेस 10.0.2.0/24, ओके सो यहाँ पर मेरे को आई पी मिल रही है 2.3, ओके एंड लेट मी चेक व्हाट इज द एग्जैक्ट आई पी एड्रेस ऑफ दिस मशीन ऑल्सो आई एफ कॉन्फिग, इसका आई पी एड्रेस है 2.4, ओके सो 2.3 वुड बी माई टारगेट मशीन। Now let me get back to the first machine. So मेरे को यहाँ पर IP मिल गई, सो मैं टाइप करूँगा 10.0.2.2.3, ओके ये IP डाला मैंने एंड देन इसके बाद मैं L
एल पोर्ट, पोर्ट कुड बी एनीथिंग 1337 इफ आई टेक, ओके, एंड देन हाइफन एफ exe hyphen 0, and what would be the name of the file, malware.exe, ye banata hu, and I'll hit enter. Okay, so now it's creating, and now you can see that save as malware.exe, right? So small mistake we need to check, make sure there's no space, nothing. So this is the command what we have fired here, and with the help of Windows shell reverse, right, which is basically we are using for creating a payload, and it is saved in malware.exe, right? So what I can do is, अभी मैं आपको बताता हूँ कि ये जो malware.exe मैंने create किया है ये actually malicious है कि नहीं है, right? सो जो मेरी फाइल क्रिएट हुई है, सो वो फाइल मेरी जो क्रिएट हो गई है वो होम में क्रिएट हुई है. सो आई विल जस्ट शो यू हियर, आई विल गो टू होम, यहाँ देख सकते हो आप malware.exe मेरा क्रिएट हो गया, राइट. सो लेट मी ओपन वायरस टोटल. सो दिस इज बेसिकली टू वेरीफाई द फाइल विच यू आर सबमिटिंग टू इंश्योर दैट द फाइल इज मलिशियस और नॉट, राइट. अगर आपके पास एंटीवायरस है मशीन में, आप उस फाइल को रन कर सकते हैं, एंड यू विल गेट द रिजल्ट वेदर दिस फाइल इज मैलिशियस और नॉट. सो अभी मैं क्या करता हूँ, इस फाइल्स को यहाँ पर अपलोड करता हूँ, एंड विल गेट द रिजल्ट देन एंड देयर. सो यहाँ देख सकते हो आप के जस्ट एनालाइजिंग स्कैनिंग दैट फाइल. ओके, सो वी सी रिजल्ट हियर, 51 out of 68. We get the exact result for the malicious file, the file which we have submitted, malware.exe, उसका result भी हमको आ गया है, एंड उसकी details यहाँ पर available हैं. जो हमने डाला था files की details सारी दिख रही है यहाँ पर, एंड उसका behavior दिख रहा है. सो बिहेवियर ऑफ कोर्स विल गेट दिस विंडोज रिलेटेड. हम डिटेक्शन पर जाते हैं तो यहाँ आप देख सकते हो कि यू नो इम्पॉर्टेंट मैं आपको बताता हूँ, जैसे K7 एंटीवायरस हो गया, कैस्परविज हो गया, McAfee हो गया, एंड देन आपके पास ट्रेन माइक्रो हो गया, देन मल्टीपल वेंडर्स हैड डिक्लेयर एज अ मलिशियस फाइल विद डिफरेंट यू नो मालवेयर नेम, हेयर ट्रोजन 32, हेयर ट्रोजन 0058, मालवेयर AIF, बिहेवियर लाइक Win32, वायरस Win32, सबका अलग अलग एनालिसिस एज पर देयर यू नो देयर डेटाबेस एंड देयर पेलोड मैचिंग विद देयर यू नो वर्डिक्स DB फाइल्स, सब ने बताया. यहाँ पर McAfee आप देख सकते हैं, McAfee ने swro.h. सो दिस इज हाउ वी हैव क्रिएटेड यू नो द मालवेयर, एंड आई हैव शोन द रिजल्ट. नाउ इफ आई गो बैक हियर, सो ये एग्जैक्टली फाइल हमने क्रिएट की थी. नाउ आई एम गोना शो यू वन मोर कमांड विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कमांड, एंड दैट इज कॉल्ड Shikata GNI. This is how I basically pronounce, right? So अभी मैंने कमांड फायर भी नहीं की है, बट मैं चाहता हूँ आपको डिलीवर करूँ, प्रॉपर डेफिनेशन बताऊँ. तो जो Shikata GNI, ये जो कमांड होता है Shikata GNI, ये प्रोनाउंस होता है, इट्स अ जैपनीज लैंग्वेज फ्रेजेस, मीनिंग इसका मतलब होता है इट कैन नॉट बी हेल्प्ड और नथिंग कैन बी डन. जब ऐसे वर्डिक्स आपके पेलोड्स पे एंटर होते हैं, जब ऐसी लैंग्वेज लिखते हो पावर शेल में, राइट, सो दैट ऑलवेज कम्स एज अ मलिशियस बिहेवियर. यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? सो ये इस टाइप के वर्डिक्स जब हम रिटन में लिखते हैं, जब राइटिंग में लिखते हैं, सो दैट क्लियरली इंडिकेट्स दैट यू आर द फाइल इज नॉट सेफ एंड इट्स अ मलिशियस फाइल. एंड ये कैसे हार्म करती है वो भी हम देख सकते हैं. सो जो मैं आपको बता रहा हूँ, दैट्स यू नो टॉकिंग अबाउट इनकोडर्स, एंड वी आर राइटिंग इनकोडिंग. सो हेयर विल टाइप द कमांड्स वेयर आई शो यू इनकोडिंग, एंड देन इनकोडिंग के आपके बाद एम्बेडिंग एंड कोडिंग, कैसे कोडिंग्स एंड कोडिंग द मल्टीपल कोडिंग्स यू कैन डू दैट इन ऑर्डर टू क्रिएट द परफेक्ट मालवेयर. सो लेट्स स्टार्ट फॉर दिस कमांड. सो मैं यहाँ पर फायर करता हूँ MSF venom -hyphen
पी ओके, सारी कमांड्स मेरी सेम रहने वाली यहाँ पर, व्हाट आई विल बी चेंजिंग हियर, सो लेट मी कीप ऑल द फाइल एज इट इज, इसका नाम रखता हूँ मैं malware 2 ओके, एंड यहाँ पर मैं क्या चेंज करने वाला हूँ, रिवर्स टीसीपी रहेगा, होस्ट और कमांड ठीक रहेगा, यहाँ पर जो एफ है यहाँ पर मैं डालूंगा ई ओके, एफ को ई मतलब क्या होगा, एनकोडिंग, किसका एनकोडिंग कर रहा हूँ मैं, एनकोडिंग कर रहा हूँ मैं x86/ शिकाता _ga_ani स्पेस -f exe ओके, ओ रहेगा वैसे मेरा, एंड malware 2, लेट्स सी इफ दैट फाइल इज परफेक्ट, हियर वी गो, सो दैट malware 2 इज क्रिएटेड नाउ एंड इट हैज टेकन द हेल्प ऑफ, आप यहाँ पर देख सकते हो कि यू नो द प्लेटफॉर्म मॉड्यूल प्लेटफॉर्म विंडोज फ्रॉम द पेलोड, ये हमने लिया है, एंड यहाँ पर जो हमने एक्स लिया था वो उसने फाइनली इनवैलिड बताया है, मतलब एक्स में 86 वो बाय डिफॉल्ट उसने लिया, सो अभी ये फाइल मलिशियस है कि नहीं है, लेट्स टेक एन अनदर एग्जांपल, सो चूज अ फाइल एंड आई टेक malware 2 द वन विच आई जस्ट क्रिएटेड, आई ओपन इट, confirm uploading, so this time I have got the result 53 out of 69, right, and here the details are PE32 executable for MS Windows GUI, right, that is what we have created here, and what are the languages we have used, and what is the behavior, that is also analyzing here, detection mein you can see almost 90% vendors declared as a malicious file with the Trojan history, some of are the Trojan history, some of the backdoor history, that is what they have declared for, right. Now let me save the time and go back to the command line again, okay. सो जो malware 2 हमने क्रिएट किया है ये क्या था, एनकोडिंग बेस बनाया था हमने, एनकोडिंग, एनकोडिंग मीन्स द malware, इट्स नॉट द फुली फ्रेज ओपन, इट्स एनकोडेड विद द पेलोड, डिफरेंट पेलोड, अभी जो मैं आपको बताना है आई विल डू द एम्बेडिंग ऑल्सो, यू नो एम्बेडिंग मीन्स यू नो एनकोडिंग, सो लेट मी स्टार्ट अगेन, आई टाइप हियर msf Venom, okay, and let me take what all things I need here. I just mention 3, okay, and here I mention E. E, G and I. Here I'll mention X, I'll remove F, /user/share/windows- /nc.exe -f exe okay, and now I'll hit enter, here we go, right, so we can see that the final size of file here, it's showing here, and then malware 3 is also created, right, let me try that again, once again virus total command, okay, and I'll submit that file too, right, uploading,
सो फ्रेंड्स यहाँ आप देख सकते हो कि जो मैंने फर्स्ट बताया आपको हाइफन पी एंड बेसिक विंडोज शेल कमांड के थ्रू, दैट वाज द प्लेन वेनिला मालवेयर वी हैव क्रिएटेड, एंड देन आफ्टर वी हैव क्रिएटेड एनकोडिंग बेस मालवेयर एंड देन आफ्टर एम्बेडिंग बेस, राइट। तीनों में अलग अलग डिफरेंस रहता है, और मेन डिफरेंस जो था सेकेंड और थर्ड में हमने जो क्रिएट किए वो था शिकाता जी ए एन आई विच इज यू नो जैपनीज लैंग्वेज एंड वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। सो ये फाइल लेता हूँ मैं इसको एंड आई सबमिट करता हूँ इसको, एंड मालवेयर थ्री का एनालिसिस स्टार्ट हो गया है। यू नो टोटल 39% 39 out of 69 रिजल्ट वी हैव गॉट इट हियर, एंड आप देख सकते हो कि ऑलमोस्ट ऑल द वेंडर्स हैव डिक्लेयर्ड एज अ मालवेयर फाइल्स, एंड दिस इज द बिहेवियर आईपी ट्रैफिक बेस, एंड दीज आर द फाइल्स डिलीटेड। यू नो व्हेन आई एग्जीक्यूट दिस फाइल दीज आर द फाइल्स द विंडोज फाइल विल बी डिलीटेड, राइट, एंड मैनी अदर थिंग्स यू कैन गेट इट हियर। आर डिटेल्स में यू विल गेट द एम डी फाइल्स एंड अदर डिटेल्स एंड डिटेक्शन इज क्लियर। इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट और पावरफुल टूल जो है वो है फैटरेट। फैटरेट जो टूल है कैन बी यूज टू क्रिएट मलिशियस पेलोड यूजिंग MSF Venom। सो MS Venom की हेल्प से यू नो वी कैन क्रिएट अनदर काइंड ऑफ मालवेयर, जहाँ पर आपको यू नो यू डोंट नीड टू गेट इन टू द विंडोज डिक्शनरीज विंडोज पेलोड, आपको वहाँ पर ऑटोमेटिकली ऑप्शन आते हैं, वहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है कि विच ऑप्शन यू वॉन्ट टू गो, लाइक फॉर एग्जाम्पल के लिए विंडोज का फाइल मिलेगा एंड यू वॉन्ट टू गो एज अ बैकडोर एंट्री, यू वॉन्ट टू क्रिएट अ ट्रोजन हॉर्स, ओके, एंड यू वॉन्ट टू फाइंड आउट द वल्नरेबिलिटी एंड देन गेट इन टू द पर्टिकुलर मशीन। सो सारे ऑप्शन मिल सकते हैं, सो प्लीज लुक इन टू दैट कमांड। बिफोर आई विल गो आई वुड लाइक टू शो यू द कमांड विच इज, सो यहाँ पर मैं साइट पर जाता हूँ। सो द फैट रैट, दिस इज द नेम, राइट, द फैट रैट, एंड पैट रेट में आप देख सकते हो काफ़ी डिक्शनरीज काफ़ी फाइल्स हैं। यहाँ पर सीधे जाता हूँ और जो कमांड वी हैव टू फायर, दिस इज द कमांड वी नीड टू फायर हेयर वंस। सो बिकॉज बाय डिफॉल्ट पैट रेट जो रहता है वो काली लिनक्स में नहीं आता है, दिस इज एन एडिशनल टूल विच यू रिक्वायर टू बी इंस्टॉल्ड एंड दैट इज नॉट देयर इन काली लिनक्स, तो हम वो उसको इंस्टॉल करते हैं। सो उसकी आप देख सकते हैं इंस्ट्रक्शन हाउ टू इंस्टॉल पैट रेट, सबसे पहले ये कमांड रहती है, तो ये कमांड को मैं कॉपी करता हूँ। ओके आई शो यू वन बाय वन, यहाँ पर मैं जाता हूँ एंड देन सबसे पहले मैं क्लियर कर लेता हूँ। ओके एंड हेयर मैं एक डिक्शनरी क्लियर, पहले तो एक डायरेक्टरी क्रिएट करूँगा मैं, सो मेक डायरेक्टरी जी आई टी एक डायरेक्टरी बन जाएगा हमारा, एंड देन सी डी जी आई टी, okay that is also created. Now I'll just copy paste, this is what I have copied from there, okay, git.com/ the patred.git, okay, and I'll hit enter. आप देख सकते हैं यहाँ पर cloning start हो गई, cloning into the patred, जो थोड़ा time लगता है अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पर 5% है, right, ये एक बार पूरा क्रिएट हो जाएगा बिकॉज वो डाउनलोड कर रहे हैं, और डाउनलोड क्या कर रहे हैं यहाँ पर क्या कर रहा है वो, इट्स टेकिंग अ टाइम एज इट इज डाउनलोडिंग द पेलोड ब्राउजर्स, यू नो क्रिएटिंग द बैकडोर डिटेल्स, क्रिएटिंग द डायरेक्टरीज डिक्शनरीज, सारी फाइल्स को लेके आ रहा है, एंड देन वंस दैट द फैटरेट इज क्रिएटेड एंड देन वी विल हैव एडिशनल टूल टू क्रिएट अ मालवेयर, राइट। सो लेट दिस बी कंप्लीटेड फर्स्ट। ओके सो यहाँ आप देख सकते हो कि 100% कंप्लीट हो गया है, राइट। सो वी आर रेडी हियर एंड लेट्स, इट इज ऑलरेडी इंस्टॉल्ड एंड वी आर गुड टू गो। सो हम यहाँ पर sudo, सो यहाँ पर मैंने एंटर किया है यू नो द फैट रेट एंड आई कैन सी नंबर ऑफ डिटेल्स हियर लिस्टेड हियर एंड देन आई नीड टू एंटर हियर एंड देन वेट फॉर स्टार्टिंग अ सर्विस PostgreSQL, I'll put any key here and then I can see 0217, all details are given here. मेरे को कैसे create करना है payload, how I want to create the you know the malware, create backdoor with MSF vision
create 100% backdoor with fudwin 1.0, create backdoor entry, create backdoor for Office with micro exploit, Trojan Devin package, jump. So many things are here given here. I'll enter here one here because I want to create backdoor with MS Venom. And यहाँ पर आप देख सकते हो कि Linux से आप बना सकते हो fatred.elsf, and Windows से आप create कर सकते हो fatred.exe. Okay. And अगर आपको Mac से create करना है या फिर PHP से create करना है, ASP से create करना है, JSON से, WAR से, so number of options given here, right? So यहाँ पर आप देख सकते हो. And then I'll type 2 here. And then you can see that local IP address and other details given here, right? And it is asking to set a host, lhost IP address. So I'll need to type the IP address which is already given here, that is mentioned here. And your host name is also, so you can type the host name, you can give the host name also. Okay. And then, so I'll just once again I'll give the IP address which is 10.0.2.2, and then port I'll give the random port 1337, or okay. So here we would like to understand one more thing, that different command which we can see here, port here I'll type here, and output file name I need to give here. So I'll put the output file name here, which is the file name, let me enter here the file name, and anything you can enter, whether it's related to Windows or so. I'll type the malware file, I'll give the malware.exe. okay. And then I'll choose the payload, which payload I want to create, right? So here aap dekh sakte ho ki Windows shell win tcp and reverse tcp yahan par hai, right? So iska matlab kya hota hai, jo reverse tcp rehti hai, reverse tcp ka matlab samajh lo, the payload which is delivered to victim, and the victim will try to attack on port, jo listen port hai jo humne enter kiya us pe wo listen karega, right? So मतलब क्या होता है, इट इज बेसिकली इंस्टेंट ऑफ द अटैकर इनिशियलाइजिंग द कनेक्शन विच विल ऑब्वियसली ब्लॉक बाय फायरवॉल इंस्टेंट द डिवाइस इनिशिएट द कनेक्शन टू द अटैकर्स विच विल अलाउड बाय फायरवॉल एंड द अटैकर व्हाट अटैकर विल डू अटैकर इट विल टेक द यू नो द डिवाइस व्हाट वी कॉल कंट्रोल एंड पास द कमांड एंड सेम फॉर द जो विन टीसीपी रहता है विन टीसीपी में क्या रहेगा द पेलोड विच इज डिलीवर टू विक्टिम एंड द विक्टिम विल ट्राई टू अटैक ऑन नंबर ऑफ पोर्ट्स यू नीड टू गिव द रेंज ऑफ द पोर्ट उसके अकॉर्डिंग सो दैट इज व्हाट द रिवर्स टीसीपी एंड द विन टीसीपी इट्स ऑल अबाउट राइट सो यहां पर मैं टू टाइप यहां पर मैं थ्री टाइप करता हूं टू यू नो मेटीप्रीटर रिवर्स टीसीपी करूंगा मैं विंडोज का जो मेटीप्रीटर रहता है उसके थ्रू मैं बता रहा हूं राइट सो आई विल टाइप हियर सो इट इज अटेम्प्टिंग टू रीड पेलोड यहाँ देख सकते हैं आप जस्ट क्रिएटिंग सक्सेसफुल द नंबर ऑफ यू नो अटेम्प्टिंग टू रीलोड द पेलोड सो ये देख सकते हैं आप यहाँ पर द रेड फाइल वॉज क्रिएटेड सक्सेसफुली एंड दिस इज द पाथ इज गिवन हियर सो मैं होम पे जाता हूँ एंड होम पे आई गो GIT द फेटेड एंड हियर वी गो दिस फाइल इज बैकडोर यहाँ पर ये फाइल क्रिएट हो गई